नमस्कार, द ग्रेट इंडियन टेस्ट .com में आपका स्वागत है। आज हम नीम बैंगन बनाएंगे। नीम बैंगन डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। नीम बैंगन बनाने के लिए हमें चाहिए 2 से 3 बैंगन छोटे कटे हुए, कुछ नीम के पत्ते, मुलायम नीम के पत्ते आधा कप, 1 चम्मच हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, 2 से 3 छोटे चम्मच तेल की आवश्यकता होगी। अब हम कढ़ाई में तेल डालेंगे, तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। अब इसमें बैंगन को पहले अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इसमें हल्दी और नमक डाल देंगे, इसे धीमी आंच में फ्राई करेंगे। अब इसको अच्छी तरह से फैला के तो ढक कर रख देंगे धीमी आंच, जब तक बैंगन अच्छी तरह से फ्राई ना हो जाए। अब हमारा बैंगन फ्राई हो गया है, इसे मैंने उतार लिया है। अब नीम पत्ते को फ्राई करेंगे। अब देखिए, इसमें हमने तेल डाल दिया, अब इसमें इसे गरम करने रखेंगे। अब हम तेल गरम हो गया, अब नीम पत्ते को इसमें डाल देंगे। इसे हम कुरकुरा कुरकुरा फ्राई करेंगे। ये देखिए, हमारा नीम पत्ता फ्राई होकर क्रिस्पी हो गया है। अब इसे हम उतार लेंगे। अब हमारा नीम बैंगन तैयार है। अब इनको हम मिक्स करेंगे। पहले पत्ते को डाल दें, इस बैंगन को भी इसमें मिक्स कर दें और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके सर्व करें। हमारा नीम बैंगन तैयार है। इसे हम चावल के साथ परोस सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।